हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहां 24 दिन पहले ही अपने कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस अभी भी कैंडिडेट को लेकर माथापच्ची में जुटी हुई है। ऐसे में अगले एक सप्ताह तक भी टिकट आने की कम ही उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ने 4 सीटों पर टिकट के लिए एक बार फिर से सर्वे करवा रही है। कांग्रेस ताजा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बड़सर, गगरेट, सुजानपुर और लाहौल स्पीति में टिकट फाइनल करेगी। हालांकि कुटलेहड़ में विवेक शर्मा और धर्मशाला में देवेंद्र जग्गी का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन अब वहां भी अड़ंगा पड़ गया है। बड़सर में कांग्रेस के बागी इंद्रदत्त लखनपाल और सुजानपुर में राजेंद्र राणा के लगातार 3-3 चुनाव जीतने से कांग्रेस को यहां जिताऊ सेकंड लाइन लीडर की तलाश है। कमोबेश यही स्थिति गगरेट और लाहौल स्पीति में भी है। बड़सर में चर्चा पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा के नाम की है। मंजीत डोगरा 2 बार विधायक, एक बार वह इंडिपेंडेंट तो दूसरी बार कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। मंजीत के अलावा ज्ञानचंद और 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले संजीव शर्मा का नाम भी बड़सर से टिकट दावेदारों की रेस में है। गगरेट विधानसभा से पूर्व विधायक एवं कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ने वाले राकेश कालिया को कांग्रेस का टिकट देने की चर्चा है। गगरेट से पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है। इसी तरह जिला परिषद सदस्य रहे रमन जसवाल भी टिकट की रेस में है। सुजानपुर में भी कांग्रेस के पास मजबूत सेकंड लाइनर लीडर नहीं है, क्योंकि सुजानपुर सीट पर भी राजेंद्र राणा 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अब पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर और रविंद्र वर्मा का नाम टिकट दावेदारों की रेस में है। कुलदीप पठानिया वर्तमान में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं। वह बमसन से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। लाहौल स्पीति में टिकट को लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। प्रदेश कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेता यहां से बीजेपी के बागी डॉक्टर रामलाल मारकंडा को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय नेता मारकंडा को टिकट का खुले तौर पर विरोध कर चुके हैं। डॉक्टर मारकंडा के अलावा पार्टी प्रवक्ता अनिल सहगल, जिला प्रदेश चेयरमैन अनुराधा राणा और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। कुटलेहड़ सीट पर विवेक शर्मा और धर्मशाला सीट से देवेंद्र जग्गी का नाम अभी तक तय माना जा रहा था, लेकिन अब यहां भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पेंच फंसा कर बैठे हुए हैं। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट का इंतजार और लंबा हो सकता है।